जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे, और ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश का मौसम और मैं नर्सरी न आऊँ। तो संडे था तो सोचा सुबह सुबह, अभी मन्नत सो रही थी, अभी ये मानो कि 8 बजे हैं सुबह के, और 8 बजे मैं नर्सरी में आ गई हूँ, क्योंकि उसके बाद में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और मेरे प्लांट हो रखे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। और बारिश के मौसम में वैसे भी नए नए प्लांट आते हैं तो लगाने का मन करता है, हरे 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 भरे दिखते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी मन्नत उठी नहीं है, उससे पहले सुबह सुबह अपना पौधे वाला काम निपटा लेती हूँ। तो वहाँ से मैं कुछ पौधे अपने छाँट रही हूँ, आकर मेरे को कौन सा पौधा लेके जाना है। और ये भैया मुझे बता रहे हैं कि ये मतलब पौधों के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं इन भैया के पास ही जाती हूँ पौधे लेने, और मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और पौधे लेके तो हम आ गए थे, मैं ज़्यादा पौधे नहीं लेके आई क्योंकि ज़्यादा मेरे को वैरायटी वहाँ दिखी नहीं, क्योंकि जो मैं लगा चुकी हूँ इतने जो पौधे थे वो लगा चुकी हूँ मैं, मतलब और इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। तो बस मैं दो तीन पौधे ले, 3 या 4 पौधे लेके आई हूँ, ये मानो मैं तीन ले बड़े तो 3 ही पौधे लेके आई हूँ। और साथ में जो मेरी छोटी टोकरी खाली हो रखी है उसमें मैं घर से ही काट के मनी प्लांट लगा रही हूँ। और सुबह सुबह ये आके हमने चाय पी के और ये कार्यक्रम भी शुरू हो गया घर में, प्लांट शुरू सुबह सुबह प्लांट लगाने का। और पतिदेव आज छुट्टी थी तो पतिदेव साथ लग रहे हैं। और खैर, ये जब मैं पौधों का काम करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ पौधों की या कटिंग स्टिंग करती हूँ, तो जब ज़्यादा काम होता है ना पौधों का तो साथ लगते हैं ये मेरे, मैं अकेली नहीं लगती, क्योंकि गुड़ाई वुड़ाई देखो ज़्यादा पौधे हैं तो हम दोनों साथ लग के कर लेते हैं। कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ पतिदेव करते हैं, तो हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। और आज बहुत सारे प्लांट खाली हो रखे थे तो सोच रहा था कि इनमें चलो लगा देते हैं। और ऊपर का मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि क्योंकि मेरा बैक गली है ये वाली मेरे घर की, तो खाली प्लाट पड़ा है मेरे बैग में। और आप लोगों को पता ही होगा, जब खाली कोई चीज़ पड़ी हो या कोई प्लाट पड़ा हो तो उसमें अड़ोसी पड़ोसी कैसे लोग होते होंगे, जो उसमें क्या क्या गिरा देते होंगे। तो वही हाल मेरे यहाँ का भी है, अगल बगल वालों को कितना भी रोक लो लेकिन वो गंदगी बगा ही देते हैं, और मैं इतनी मना करती रहती हूँ। और मैंने अभी अभी साफ़ भी कराया है, वैसे भी मैं साफ़ करवाती रहती हूँ। और कुछ मैं 2 गमले लेके आई थी, जो एप्पल टाइप के हैं ना, ये वाले गमले लेके आई थी, मुझे अच्छे लगे तो मैंने 2 ही गमले लिए। और हमारे पौधे भी जिसकी कटिंग स्टिंग लगानी थी या कोई नए आए थे वो लगाने थे, वो सब लग गए हैं। तो इस वजह से मैं ऊपर का नहीं दिखा रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, प्लाट में उठवाने के बाद भी बहुत सारी गंदगी रह गई है। और जी अब टाइम आ गया था नहा धो के बाहर के कुछ काम करने का, संडे का दिन है, तो संडे का दिन मेरा अक्सर ऐसे ही निकलता है, बाहर का काम जो होते। संडे को मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, घर की कोई साफ सफाई नहीं करती हूँ, संडे को काम करती हूँ मैं, जो मेरे को ज़रूरी काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं तो पतिदेव के साथ जाके और वो मैं ले आती हूँ। तो आज अपने मेरे को लेके आना ग्लोसरी का सामान, तो मैं हमेशा से सामान लेके आती हूँ ना, तो ऐसे अपने बुक लेके और पेन लेके अपने किचन में आके सामान की लिस्ट बना लेती हूँ, उनको नोट डाउन कर लेती हूँ मेरे को क्या क्या सामान लेके आना है। जो ये कॉर्नर वाला अलमीरा है इसमें मेरा एक्स्ट्रा का सामान रहता है, जो ग्लोसरी का एक्स्ट्रा आता है ना, मेरा वो वाला सामान रहता है, तो मैं उसको भी खाली करके और यही देख रही हूँ कि मेरा उसमें क्या सामान बचा है, मेरे को क्या क्या लेके आना है। एक तो जब हम किचन में बैठ के लिखते हैं ना, नोट डाउन करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा कौन सा सामान ख़त्म हो रखा है, तो वो चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। अगर ऐसे बैठ के लिखो ना तो कोई चीज़ें हमें भूलते हैं, आधी चीज़ें भूलते हैं आधी चीज़ें लिखते हैं, तो फिर वो पूरा सामान नहीं आ पाता। तो मैं अपने किचन में ही अक्सर लिखती रहती हूँ। उसके बाद में हम आ गए रिलायंस, मैं सामान रिलायंस से ही लेती हूँ। और कुछ दालें वाले भी ख़त्म हो रखी थी, और इस मौसम में दालें खैर मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि दालें ज़्यादा लेने के बाद इस मौसम में कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, सुनसी और कीड़े। तो देखते देखते मेरी ट्रॉली भर गई थी सामान की फुल, और पतिदेव वीडियो शूट कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि कब वीडियो शूट कर रहे थे, बट देखते देखते मैंने ट्रॉली को फुल कर लिया था, क्योंकि ग्रोसरी का सामान जब आता है ना तो महीने 1.5 महीने का इकट्ठा ही आता है। कुछ सामान ये होता है कि मेरा 2 महीने भी चल जाता है, कोई सामान ऐसा होता है कि देखो महीने का तो आता ही आता है, बट आता है महीने से ऊपर का भी सामान। और उसके बाद में आके मैंने करी अपनी पूजा, पूजा करके आज खैर लेट ही हो गई थी पूजा को भी,
उसके बाद में जो ये सारा सामान आया है इसको भी सेट करना है मेरे को, और अब साथ के साथ हो जाएगी किचन की सफाई और सामान भी सेट हो जाएगा। सामान आ गया था मेरा सारा, काफ़ी सारा सामान आया था, और भी कुछ सामान रखा इधर उधर, और कुछ सामान जैसे एक थैला भर के आया है और एक ये मतलब कार्टून्स भर के आया है, और जैसे कोलिंग की एक बोतल 1 महीने चल जाती है मेरी, तो एक दो आ गई तो ये 2 महीने का सामान हो गया। तो कुछ ऐसा सामान होता है ना, जैसे कि फिनाइल है, फिनाइल तो खैर ये 5 लीटर की मेरे 1 महीने चलेगी, क्योंकि जो मेरी मेड है ना वो कुछ ज़्यादा ही डालती है, और जैसे कि विम बार है तो वो 1.5 लीटर का आ गया, तो 1.5 लीटर का मैं मेरा ये मानो कि 1.5-2 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि हम कम लोग हैं, इतना ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं, तो इस वजह से मेरा थोड़ा विम बार ज़्यादा चल जाएगा। और अब साथ के साथ किचन की सफाई कर रही हूँ, डब्बे जितने थे अपने दाल वाल के वो निकाल लिए हैं, जो साफ़ करने वाले होंगे उनको साफ़ करके वैसे ही रख दूंगी जिसमें सामान होगा। सबसे पहले तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, पूरे को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि खाली करने के बाद में है ना सारे ड्रोरों में हाथ भी लग जाएगा, और मैं महीने के महीने जब हाथ मारती हूँ पूरे ड्रोरों में सामान लेके आती हूँ, तो साथ के साथ मेरी सफाई भी हो जाती है, इतनी गंदगी नहीं रहती, क्योंकि महीने महीने सफाई होती रहेगी ना तो वो ख़राब भी नहीं होते, और मेरे को पता भी रहता है कि मेरे घर में क्या चीज़। कई बार देखो हमारे ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं और वो याद नहीं रहती, तो ऐसा नहीं है कि चलो याद तो खैर नहीं रहती, बट जब हाथ लगाऊंगी मैं डब्बे उब्बे सब निकालूंगी तो कोई चीज़ भूली भी होंगी मैं वो निकल जाएगी, तो वो मेरे यूज में हो जाएगी। और अब मैं कर लेती हूँ अपने सामान को सेट। आज गुरु पूर्णिमा भी है, कल से सावन शुरू है, तो इसलिए अपनी पूरी तैयारी में आज से ही करनी शुरुआत कर दी। और शाम के टाइम में जलाती हूँ अपने किचन में अगरबत्ती खुशबू के लिए, अब पूरे घर में महक जाती है और पूरा घर खुशबू हो जाती है, इस वजह से मैं पूरा घर में खुशबू के लिए अपने किचन में ही जला देती हूँ। मुझे प्रेगनेंस के लिए है ना कुछ अगरबत्ती धूप बत्ती मेरे को चाहिए, और जब घर महकता है ना तो उसमें एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है घर में जब खुशबू होती है तो। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और आज का वीडियो करती हूँ अब मैं यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी आप लोगों से
एक और नई वीडियो के साथ में। और अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि शाम हो गई है, खाने का टाइम हो गया। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।